दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल रवि में। तो हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप HRMS में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे उसको जो ऐड है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों लॉगिन प्रक्रिया आप सबको पता ही है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है लॉगिन करने से पहले। जब आप किसी भी ब्राउजर में और HRMS वेबसाइट ओपन कर लेते हो तो उसके बाद में राइट साइड में देखिए टॉप में यहाँ 3 डॉट दिख रही होंगी, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट, इस पर आपको जरूर से क्लिक करना है। दोस्तों मैं हर बार क्यों बोलता हूँ आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है, दोस्तों मेरे पास कॉमेंट भी आते हैं कि हमारे में ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई आपको डेस्कटॉप साइट पे जरूर से क्लिक करना है, यदि आप उस पर क्लिक नहीं करोगे तो आपको बहुत से ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में रह जाते हैं, इसमें पेज पूरा खुलता नहीं है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको डेस्कटॉप साइट पे जरूर से क्लिक करना ही है। और यहाँ पर आपको दोस्तों यूजर नेम में अपनी HRMS ID पासवर्ड डाल के आपको इसको लॉगिन कर लेना है। चलिए दोस्तों फटाफट मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में एक एरो का निशान दिख रहा होगा टॉप में, उसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा IIR HRMS EWS V3.0, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा View/Edit My Details, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह आपको एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो वीडियो देख सके। दोस्तों आगे भी आपको टाइम टू टाइम HRMS से संबंधित सभी टाइप की वीडियो चैनल पे मिलते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने यदि आपको अपनी बेसिक इन्फो चेंज करनी हो या फिर आपको अपने फैमिली मेंबर किसी को ऐड करना हो, किसी को डिलीट करना हो, या फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स अपडेट करनी हो, या आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स अपडेट करनी हो, या फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स अपडेट करनी हो, इन सब का वीडियो मैंने दोस्तों ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। ये आप आपको कहाँ मिलेंगे, आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपका HRMS नेम की प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो HRMS से संबंधित तो सब आपको वीडियोज उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, HRMS नाम की प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब आपको यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रीजन का, और राइट साइड में देखिए आपको बॉक्स में लिखा है रीजन फॉर एडिटिंग। तो इसमें दोस्तों अपने को रीजन लिखना है कि भाई हम इसको क्यों अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मान ले हमारे को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड, या फिर हमें अपडेट करना है, ऑलरेडी है लेकिन उसको अपडेट करना है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट, तो ऐसा हम इसमें रीजन डालना है, ठीक है। हम हिंदी में डाल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो सी लैंग्वेज में डालो डाल सकते हो। फिर देखिए नीचे यहाँ दोस्तों ऑलरेडी मान लो आपकी पहले की जो जब HRMS को जब ये लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे जितने भी डीलिंग कर रखे थे उन्होंने सबकी जो क्वालिफिकेशन जो CSR में थी उसके तहत उन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी, डाली हुई थी। यदि आप यहाँ नहीं डाली हुई है आपके डीलिंग कर रखने तो आपके पास ये इस टाइप का नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ऊपर जो एक्शन सीरियल नंबर क्वालिफिकेशन कोर्स इस टाइप का आपको मिलेगा। अब मेरी ऑलरेडी इसमें देखिए मेरे जो इंटरमीडिएट है प्लस टू वो भी यहाँ पे ऐड है, और उसके नीचे मेरी जो ग्रेजुएशन है वो भी इसमें ऐड है, ठीक है। तो अब मान लो जैसे आपकी एक ऐड है या आपकी एक भी ऐड नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे जब आप इसको स्क्रॉल करोगे देखिए राइट साइड में जैसे कि राइट साइड में आपको एक प्लस का निशान दिख रहा होगा, ठीक है, जोड़ का निशान, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे एक और रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्लस के निशान के ऊपर, तो देखिए यहाँ एक रो और ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया तो देखिए एक रो और ऐड हो गई है, देखिए ये देखिए नई रो ऐड हो गई है, और नई रो के ऐड में देखिए राइट साइड में आपको एक माइनस का निशान दिखेगा, क्योंकि ये मान लो हमें इसको हटाना है जो ऐड की है, तो इस पर माइनस के निशान पे क्लिक कर दोगे आप तो यहाँ से ये हट जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों नीचे ऐड हो गई है, देखिए मैंने ऑलरेडी मेरे ऊपर तो डली हुई है,
तो अभी देखिए मैं इसको स्क्रॉल करके लेफ्ट साइड में चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको, देखिए इसमें ऑलरेडी सीरियल नंबर आ चुके हैं 102। तो देखिए 102 मेरे का पहले ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है, अपडेट है। यदि मेरे को अपडेट जो ऑलरेडी डला हुआ है उसी को मेरे को चेंज करना है या अपडेट करना है, मान लो उसमें कुछ गलत है तो मेरे को उसमें अपडेट करना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो प्ले सिलेक्ट का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने प्ले सिलेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपके पास में कुछ इस टाइप का मैसेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, तीन, एडिट का है और डिलीट का। यदि ऑलरेडी आपके यहाँ पे मेंशन है वो गलत है तो आपको एडिट पे क्लिक करना है तो आप उसको एडिट कर पाओगे, ठीक है। यदि आपको उसको डिलीट करना है रो कोई जो क्वालिफिकेशन डली हुई उसको आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो मेरे को अभी दोस्तों कुछ भी उसमें एडिट नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है, मेरे को क्या नई जो क्वालिफिकेशन है मेरी वो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको जो करना है, आपको एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए, डिलीट करना है तो डिलीट कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट सीरियल नंबर में देखिए मेरा इंटरमीडिएट का है, सेकंड में ग्रेजुएशन का है, और थर्ड में जो नई रो ऐड हुई है उसमें देखिए ऑटोमेटिक इस पे न्यू का ऑप्शन आ गया है पहले ही कॉलम में, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा। दूसरा सीरियल नंबर का ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब जो दोस्तों तीसरा जो कॉलम है वो है क्वालिफिकेशन लेवल। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप क्या कौन सी आपके क्वालिफिकेशन को ऐड करना चाह रहे हो, तो मैं प्ले सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है प्राइमरी टू फाइव सिक्स सेवन्थ, मतलब सब जो क्लास है उनका यहाँ पे दे रखा है, तो आप कौन सी क्लास का ऐड करना चाह रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे करना है पोस्ट ग्रेजुएट का, ठीक है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक करूंगा। आपकी जो भी ग्रेजुएशन वो आपको सिलेक्ट करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है वो तो वो क्लिक कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होता है तो वो है तो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन है तो वो कर लीजिए, जो भी है आपका वो आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो मैं अभी देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ देखिए अगला जो ऑप्शन है वो है कोर्स का, तो यहाँ देखिए प्ले सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए आपका कौन सा कोर्स है ग्रेजुएट में, देखिए एमए भी होता है और एमबीए भी होता है। दोस्तों ये मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट किया तो पोस्ट ग्रेजुएट के हिसाब से यहाँ ये एमए एमबीए हैं। यदि आप ग्रेजुएट पे करोगे तो ग्रेजुएट के हिसाब से यहाँ पे आएगा बीए बीएससी, ठीक है, बीबीए इस टाइप से। तो अभी मान लो मैं कर लेता हूँ एमटेक, ठीक है, एमटेक हो गया। फिर आगे देखिए यहाँ सब्जेक्ट ऑब्लिक स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पे लिखने पड़ेंगे सब्जेक्ट, ठीक है ना, जो भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो जो भी है मान लो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरा कंप्यूटर साइंस से था तो मैं कंप्यूटर साइंस कर देता हूँ, ठीक है। कि दोस्तों हमारे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो मैं वो सब्जेक्ट नहीं लिख के और मैं यहाँ पे अपनी जो ब्रांच है वो लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखिए ये है ड्यूरेशन, मतलब कितनी साल का अपना कोर्स है, ठीक है। अब मान ले कोई 10th ऐड कर रहा है तो 1 साल का हो गया, 12 इंटरमीडिएट कर रहा है 12th तो उसका 1 साल का हो गया। अब ग्रेजुएशन है किसी की 3 साल की होती है, किसी की 4 साल है, तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा। अब देखिए सेलेक्ट का जो ऑप्शन है इसमें मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर सब इसमें दे रखा है। तो मान लो मेरी है एम टेक 2 साल की तो मैं 2 ईयर पे क्लिक कर देता हूँ। और आगे देखिए दोस्तों कंट्री है तो यहाँ पे आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ इंडिया है तो आपकी जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली बात आप इंडियन ही होंगे, ठीक है। अब इसको देखिए हम राइट साइड में इसको स्क्रॉल करेंगे। अब अगला ऑप्शन देखिए है दोस्तों पैलेस, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पैलेस, आपने जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से की है, ठीक है। मान लो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से किया है तो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आपका कहीं आपने जहां भी आपने किया है वो वहां कर लो, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट मान लो फरीदाबाद है तो मैं फरीदाबाद यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट मतलब आपको यहाँ मेंशन करना है, डालना है, सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है। अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों ये है बोर्ड यूनिवर्सिटी। अब कौन सी यूनिवर्सिटी से या कौन से बोर्ड से आपका जो है कॉलेज या स्कूल है वो अटैच है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मेरी एमडीयू से थी तो यहाँ पे मैं एमडीयू सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। या दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबका यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों टाइम लगता है, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर से है लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है,
आपका चूज करके, और मैंने चूज कर लिया है कि दोस्तों मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं नहीं, बाकी मैं सिर्फ आपको कैसे ऐड करते हैं क्वालिफिकेशन वो दिखा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो ग्रेजुएट हूं, तो मैंने ग्रेजुएट तक का मेरा यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला देखिए स्कूल इंस्टीट्यूट नेम। अब मान लो आप 10th या 12th कर रहे हैं तो आपका स्कूल का नेम आ जाएगा यहाँ पे, और या फिर मान लो आप ग्रेजुएशन करें तो आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा, ठीक है, या जहां से भी आप कर रहे हो यूनिवर्सिटीज कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। फिर अगला ऑप्शन देखिए, ये है पासिंग ईयर, मतलब आप कब पास आउट हुए हैं, कब आपने पास किया है, पासिंग ईयर वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। आपने 2016 में किया है, आपने 17 में आपको पास हुई है आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है। और फिर देखिए ग्रेड, तो आप ग्रेड डाल भी सकते हो दोस्तों, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। यदि ग्रेड आपके सर्टिफिकेट में डाल रखी है, फाइनल सर्टिफिकेट में ग्रेड है, तो आप वो ग्रेड डाल दीजिए। और अगला ऑप्शन देखिए, वो है परसेंटेज का, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज भी डालनी पड़ेगी। आप अपनी परसेंटेज निकालोगे और आपको यहाँ पे परसेंटेज अपनी मेंशन करनी है, ठीक है। फिर हम दोस्तों राइट साइड में चलते हैं, तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपने जो ग्रेजुएशन है या आपने 10+2 है या पोस्ट ग्रेजुएट है, ये आपने कब की है, आप जब सर्विस में आ गए थे तो उसके बाद में की है आपने, या फिर आपने सर्विस में आने से पहले करी है, तो आपको ये जो प्ले सेलेक्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। या देखिए बिफोर ज्वाइनिंग और ड्यूरिंग सर्विस, तो यदि आपने रेलवे में आने से पहले आपने उसको कर लिया है तो आपको बिफोर ज्वाइनिंग सेलेक्ट करना है, और आपने जब आप रेलवे में भर्ती होगे उसके बाद में आपने किया है तो आप ड्यूरिंग सर्विस कर दोगे, ठीक है। तो मैं ड्यूरिंग सर्विस कर लेता हूँ। अब अगला ऑप्शन देखिए, यह है मार्क्स डॉक्यूमेंट। तो मार्क डॉक्यूमेंट का मतलब ये है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो आपकी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है, मतलब आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करके आपके मोबाइल में कंप्यूटर में जहां भी आपकी पीडीएफ आपने बनाई है मार्कशीट की, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। फिर आपको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आपको चूज फाइल करने के बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे नीचे दिखाएगा 100% सक्सेसफुली, और फिर नीचे देखिए व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपको मेरे ऊपर वाली रो में दिख रहा होगा एक व्यू का ऑप्शन, ऐसे वहां पे व्यू का ऑप्शन आएगा, आप उसको देख भी सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, आपको जो मार्कशीट है वो यदि आपकी सेमेस्टर वाइज है तो आप फर्स्ट सेम से लेके और लास्ट सेमेस्टर और उसके बाद में जो फाइनल जो मार्कशीट होती है वो आपको सभी की एक पीडीएफ बनानी है, सभी सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों एक और आगे ऑप्शन है सपोर्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट। तो सपोर्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पे मैंडेटरी है, तो आपको सेम जो ये डॉक्यूमेंट है जो आपने इसमें मार्कशीट अपलोड करोगे, आप मार्क्स डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में, ये सेम आपको सपोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट में भी आपको अपलोड कर देने हैं, सेम वो फाइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कर देने, क्योंकि अलग से आपके पास थोड़ी ना कोई सपोर्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो वही आपको इसमें कर देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ लोग मैंने देखे हैं जो है वो जो फाइनल मार्कशीट होती है ओनली वो कर देते हैं, बाकी आप मेरी मानो तो आप फर्स्ट सेम से लेके या फर्स्ट ईयर से लेके जो लास्ट ईयर है और जो फाइनल है, सभी सर्टिफिकेट की आपको एक पीडीएफ बनानी है, ठीक है। आपके 5 सेम हो, 6 सेम हो और फाइनल सर्टिफिकेट हो, सभी की एक पीडीएफ बना के आपको अपलोड करनी है, ठीक है। और दोस्तों फिर ये सब करने के बाद में, और अब मान लो जैसे दोस्तों ये मान लो आपके आपने +2 ऐड कर दिया, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी ऐड करना है, तो आपको अगली रो ऐड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जो प्लस का निशान आपको दिख रहा है ऊपर, उस प्लस का निशान पे आपको क्लिक करना है, आपके यहाँ पे नीचे एक नई रो ऐड हो जाएगी, तो आप उसमें और जो क्वालिफिकेशन है उसको भी ऐड कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है। अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। देखिए पी डॉट ईयर का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन है तो उसमें आपको क्या आप मेंशन करना है, परसेंटेज में क्या कैसे मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है, एक्वायर्ड में क्या मेंशन करना है, मार्क डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन करना है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ, आप इसको भी ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी यहाँ पे, और एक चेकबॉक्स है और उसके राइट साइड में लिखा है डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज ट्रू एंड आई एम लाइलेबल टू बी टेकन अप अंडर डीआर प्रोसीडिंग। मतलब आपने जो ऊपर जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, ट्रू है, और यदि ये गलत पाई जाती है तो आपके खिलाफ डीआर इंक्वायरी हो सकती है। तो आपको इस चेकबॉक्स पे करना है क्लिक और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, आपको सेव एज ड्राफ्ट नहीं करना है, यदि आप सेव एज ड्राफ्ट कर दोगे तो उसके बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि कहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट हो गया है, आप दोबारा उसको एडिट नहीं कर पाओगे ना ही सबमिट कर पाओगे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सेव एज ड्राफ्ट करना ही नहीं है, आपको सबमिट करना है, गलती से सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो गैबिया चम्मच में
अभी कुछ ना कुछ अपडेट आएगा कि ये कहाँ से सेवा ड्राफ्ट होता है तो कहाँ मिलेगा, लेकिन अभी तक इसमें मैंने ढूंढा है कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सेवा ड्राफ्ट नहीं करना है, ध्यान रखना, आपको सबमिट ही करना है। ठीक है, सबमिट करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना है। ठीक है, और आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों ओके करने के बाद में ये जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ दिखेगी, भाई मेरी इस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए लेफ्ट साइड में टॉप में जो एरो को निशान दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा माई चेंज रिक्वेस्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको नीचे जहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट आईडी दिख रही है, चलो मस एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉय नेम हो गया, तो इसके नीचे आपको अपनी रिक्वेस्ट दिख जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो ये रिक्वेस्ट सबमिट करते किसके पास जाएगी, जाएगी डीलिंग कलर के पास। तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉलम में डीलिंग डीसी ट्रांजेक्शन डेट, तो डीलिंग कलर जब इसको फॉरवर्ड कर देगा किसके पास, वेरीफाई अथॉरिटी के पास में, तो उसकी आईडी आ जाएगी, या फिर उसका जिस डेट को फॉरवर्ड करेगा उस डेट आ जाएगी, फिर वेरीफाई अथॉरिटी उसको वेरीफाई करके फॉरवर्ड कर देगी किसके पास, असाइन अथॉरिटी के पास में, तो उसकी आईडी आ जाएगी, वो डेट आ जाएगी। असाइन अथॉरिटी जब उसको अप्रूव करके वो वापस फॉरवर्ड कर देगी, मतलब अप्रूव होते क्या वो जो एम्प्लॉय है उसकी पास चली जाती है, और यहाँ पे जो व्यू जो ऑप्शन का जो टाइम है उसमें आपको यहाँ पे आपको जो क्या उस पर कार्रवाई हुई वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज चेक कर सकते हो। दोस्तों यदि मान लो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो ऊपर देखिए आपको सिलेक्ट पीरियड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्या एक महीने की डेट आती है, यदि एक महीने ज्यादा टाइम हो जाता है तो आपको यहाँ पे वो नहीं मिलेगा जो आपने चेंज रिक्वेस्ट डाली है। तो आपको जो आप जिस डेट को आपने सबमिट किया है वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फिर आपको गो पे क्लिक करना है, तो नीचे फिर आपकी वो रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप इसको देख पाओगे, व्यू कर पाओगे कि मेरी रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुंची है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे दोस्तों आप अपने जो रिक्वेस्ट हो यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों वीडियो काफी लेंथी हो गया है तो लास्ट तक देखोगे तभी दोस्तों आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।